वो दानिश अली अपने हक के लिए एक टैग लेकर के पार्लियामेंट में जाता है तो उनको बाहर किया जाता है। बीएसपी हमेशा जो है दलित और शोषित का आवाज उठाया, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन आज हमारे दलित और शोषित को जो बहुत संख्यक लोग हैं, आप उनको बांट कर करके आप रोटी सेक रहे हो, ठीक नहीं है। आज अगर यही मायावती चिंगार दें, अगर वो रोड पे आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि भारत के तमाम दलित मायावती के साथ हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। दानिश अली के ऊपर उनके नेता पार्लियामेंट के अंदर कटुआ और आतंकवाद कहकर संबोधित करने वाले लोग को राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बनाया, महुआ मोत्रा पे हुआ, अगर यही आप अपने पार्टी में करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट खाली नजर मिले। 2024 अभी बहुत दूर है भाई, उसका एग्जिट पोल आ गया, बीजेपी जो है 300 से ऊपर जा रही है, 400 से ऊपर जा रही है, तो ये तो भाई ये तो सब पैसा का खेल है। ये सारे जो है उनका गोदी मीडिया, पेड मीडिया का धंधा चल रहा है, उनको पैकेज मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन को ऐसे एग्जिट पोल वाले को एक्शन होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। अगर वो एग्जिट पोल से सरकार बनानी है तो फिर जनता वोट क्यों देती है भाई, मत चुनाव कराओ। और फिर मुझे ये बताएं इलेक्शन कमीशन 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहाँ है, किसके पास है, उसका क्या यूज हो रहा है। आप कह रहे कांग्रेस की सरकार बन गई, कहीं नहीं बनी कांग्रेस का सरकार। तेलंगाना में कहां बनी जर्नलिस्ट महोदय, वो तो कांग्रेस का सरकार खाली एक चेहरा दिखाने के लिए, देखो 3 ले लिया है, 1 मैं वो भी ले लिया, तो वो कांग्रेस का खाली नाम ठप्पा पड़ गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन, वो विद्यार्थी प्रतिशत का, वो जो आरएसएस का, वो जो बीजेपी का एजेंट, आप उसको चीफ मिनिस्टर बनाए हो, 3 और 1 4, अब चारों राज्य जो है बीजेपी को दे। साहब स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में करप्शन का सामान बिक रहा है। आप सभी के चैनल से जनता को भी मैं नमस्कार करता हूँ। स्मिता ईरानी जी महान है, और महान इसलिए है कि अपने जब सहेली दोस्त को साथ नहीं दिया, उनके हस्बैंड को ले उड़ी, तो वो इस तरह की जो वक्तव्य दे रही हैं वो कितना चरितार्थ है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आने वाले 2024 में जनता उसे जवाब देगी। दानिश अली को जिस तरह से बीएसपी ने निष्कासित कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस से उनकी नज़दीकी बहुत बढ़ रही थी, इस वजह से क्या किया? हमारे जो वर्तमान सरकार है वो मनुवादी तानाशाही सरकार है, वो हर तरह से वो ये समझ बैठी है कि मैं हमेशा के लिए आजीवन मरते दम तक राज करूंगा और जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। वो जो है दानिश अली के ऊपर उनके नेता पार्लियामेंट के अंदर कटुआ और आतंकवाद कहकर करके संबोधित करने वाले लोग को राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बनाया जाता है, और वो दानिश अली अपने हक के लिए एक टैग लेकर के पार्लियामेंट में जाता है तो उनको बाहर किया जाता है। ये सामंतवादी और मनुवादी और ये एकाधिकार हिटलरवादी का द्योतक हमें तो दिखता है। बीएसपी तो मनुवादी के खिलाफ है ना। देखिए बीएसपी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हर एक का अपना आचार और विचार होता है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होता है। बीएसपी हमेशा जो है दलित और शोषित का आवाज़ उठाया। हम मायावती के हम अब कोई लगते नहीं हैं, लेकिन मायावती कभी मंदिर और मस्जिद में गई क्या? उन्होंने आवाज़ उठाई। आपने कहा एक मिश्रा जी को भी बाहर कर दिया गया, लेकिन आज हमारे दलित और शोषित को जो बहुत संख्यक लोग हैं, आप उनको बांट कर करके आप रोटी सेक रहे हो और हमें टुकड़े टुकड़े डेंग गैंग कह रहे हो, और हम लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं, असंगठित हमें कहा जा रहा है, हमें जो है वंचित कहा जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। आज अगर यही मायावती चिंगार दें, अगर वो रोड पे आ जाएं, अगर वो चटाई पे आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत के तमाम दलित मायावती के साथ हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन जिस तरीके से अभी चुनावी नतीजे आए, क्या समझते हैं जिस तरह एग्जिट पोल दिखा? देखिए चुनाव नतीजे में एग्जिट पोल 2024 अभी बहुत दूर है भाई, उसका एग्जिट पोल आ गया कि बीजेपी जो है 300 से ऊपर जा रही है, 400 से ऊपर जा रही है, तो ये तो भाई ये तो सब पैसा का खेल है। ये सारे जो है उनका गोदी मीडिया, पेड मीडिया का धंधा चल रहा है, उनको पैकेज मिल रहा है, तो वो तो करेंगे। जनता मेरे बात सुनिए, हमें तो एक ऐसा अभियान छेड़ना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है चोर है, हमें इस तरह का आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को ऐसे एग्जिट पोल वाले को एक्शन होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। वो इस तरह के कैसे दे सकते हैं? ये अगर वो एग्जिट पोल से सरकार बनानी है तो फिर जनता वोट क्यों देती है भाई, मत दो, मत चुनाव कराओ। और फिर मुझे ये बताएं इलेक्शन कमीशन, मुझे ये बताएं ओपोजिशन पार्टी कि 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहाँ है, किसके पास है, उसका क्या यूज हो रहा है, क्या हो रहा है यूज,
कोई नहीं बताने के लिए तैयार है, तो वो मशीन का इस्तेमाल कर करके और इलेक्शन कमीशन सरकार को सहायता करके ईडी इनकम टैक्स और जो है ये सारे जो एजेंसियां उनको सरकार को साथ दे करके सरकार को जिताना चाहते हो, लेकिन सरकार को हराने के लिए बाबा अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, जो हमें वोट देने का अधिकार दिया है, उसी वोट का अधिकार से हम इन्हें हराएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो जीत कैसे रहा है। वो जीत इसलिए रहा है क्योंकि वो ईवीएम मशीन की चोरी कर रहा है। आज हमें ज़रूरत है कि जिस दिन वोटिंग होती है, वोट के दिन ही शाम में उसकी काउंटिंग हो जाए और दूध का दूध पानी हो जाएगा। इस पे बहस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बहस कर रही है। तेलंगाना में भी ईवीएम का खेल है, ये बताइए। तेलंगाना में भैया ईवीएम का खेल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो की सरकार बनी ना वहाँ पर। कहाँ बनी तेलंगाना में, कहाँ बनी जर्नलिस्ट महोदय? वो तो कांग्रेस का सरकार खाली एक चेहरा दिखाने के लिए, देखो तीन ले लिया है, एक मैं वो भी ले लिया, तो वो कांग्रेस का खाली नाम ठप्पा पड़ गया। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन? वो विद्यार्थी प्रतिशत का, वो जो आरएसएस का, वो जो बीजेपी का एजेंट, आप उसको चीफ मिनिस्टर बनाए हो, तो तीन और एक चार, आप चारों राज्य जो है बीजेपी को दे दिया। आप कह रहे कांग्रेस की सरकार बन गई, कहीं नहीं बनी कांग्रेस का सरकार। एक जो है जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी, जहाँ पे आप कोई भी पार्टी नहीं गए, क्योंकि आपको शर्म था कि मैं छः महीने से जो महिलाओं को रेप कर रहा हूँ और मणिपुर में आग लगा रहा हूँ, मैं किस मुंह से नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा, वहाँ नहीं गए, तो क्षेत्रीय पार्टी जीती। लेकिन कांग्रेस तो आरएसएस विरोधी है ना? कांग्रेस में 85% सारे आरएसएस के लोग, दलाल जयचंद लोग घुसे हुए, और एक राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर चलने से खाली वो पप्पू से चप्पू तो अब हो गए, थोड़ा सा मान सम्मान मिल गया, हम लोग लीडर मान लिए, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, उनके आसपास में जो घिरे हुए लोग हैं, वो तमाम लोग मनुवादी और समानवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी हैं, और ऐसे पप्पू निकल जाएगा। अब तो पप्पू जी को भी अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। आप सपोर्ट करते थे? मैं तो सभी को मैं कहता हूं कि मैं अगर जो देश हित में काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो असंगठित को संगठित करेगा, जो हमारे संविधान का आदर करेगा, हम उसके साथ हैं। अगर बीजेपी, मैं बीजेपी का लगातार जनवरी से विरोध कर रहा हूं, लेकिन अगर बीजेपी हमारे जो वादा करती है उसको एफिडेविट दे, शपथ भरे और कहे कि अगर मैं वादा पूरा नहीं करूंगा तो मेरा जो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी और मेरा आजीवन, मेरा जो है चुनाव से और जो है सदस्यता खत्म हो जाएगी, जैसे कोयला मुत्रा को खत्म कर दिया, जैसे संजय जी को खत्म कर दिया, अपने पार्टी के अंदर खत्म करने की ताकत रखो, मैं बीजेपी का जय हो करूंगा। लेकिन वो नहीं कर सकते, कांग्रेस भी यही नहीं कर रहे, तो हम किसके साथ जाएं? इसीलिए कहा कि ना मुझे एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए, मुझे सकारात्मक विकल्प चाहिए। आचार्य ने कहा कि राजस्थान के हवा महल के है वो, उन्होंने कहा कि जितने भी मीट की दुकान है बंद होनी चाहिए, ये कराची नहीं है। ये नफरत की राजनीति है, ये जो है चूंकि हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में किया, तो वही राजस्थान में ये बाबा नाथ करना चाहते हैं उनके साथ। तो ये जो नफरत की राजनीति, आप सेकुलर देश को ख़त्म कर करके कुछ लोगों को, हमारे ही जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, जिनको आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, जिनको आप हिंदू राष्ट्र की बात को लुभावना देख रहे हैं, जिनको आप 22 जनवरी को आप जो है कलश लेके ढुलाएंगे और जय श्री राम कहलाएंगे, यही हमारे बहुसंख्यक करेंगे, यही बेवकूफ़ लोग करेंगे, यही घंटा बजाएंगे। तब मैंने कहा कि असंगठित लोग अगर संगठित नहीं होंगे तो तुम्हारे साथ ये जुल्म होगा। राजस्थान में ये जो आप भाई कह रहे हैं कि इस तरह की नफरत और इस तरह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी, उत्तर प्रदेश में और कमोबेश भारत के अंदर गृह युद्ध का ये नज़ारा लाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि देश का 150 करोड़ 100 करोड़ ख़त्म हो जाए, 50 करोड़ पे मैं राज करूँगा, मैं राजा रहूँगा, तो ये मंसूबा पूरा नहीं होगा। जनता समझती है और रोड पे सारे नेताओं को ला के खींच खींच के एक दिन जनता ज़रूर मारेगी। टीएमसी की सांसद को निलंबित कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक बात बताइए, कभी संजय सिंह को आप निलंबित करते हो, फिर जेल भेज देते हो, कोयला मित्रा को कर देते हो, तो आपके पार्टी में क्या सब लोग दूध के धुले हैं? आप उनको निलंबित क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूं सत्तापद से, मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी को, आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, आप कहते हो मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, तो आपके नेता पे 123 या बाबाओं पे केस बलात्कार का चल रहा है, आपके बहुत सारे नेताएं जो है भ्रष्ट और करप्ट है, आपके नेता लोग आय से अधिक रखे हैं, आज अगर वो इस तरह का जो कोयला मुत्रा या जो हमारे जो है ये संजय सिंह पे हुआ, महुआ मुत्रा पे हुआ, अगर यही आप अपने पार्टी में करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट खाली नज़र मिलेगा।